Sitting, how are you feeling sitting मुझे alone? घर जाना है, मुझे घर जाना है। किसने बोला कि फ्लाइट में रखी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युट फाइन। राइट नाउ मी एंड रंजीत वी आर इन एमिरेट्स बिजनेस क्लास लाउंज इन JFK एयरपोर्ट। ये अभी नया खुला है, 2018 के एंड में ही खुला है। बहुत ही खूबसूरत लाउंज है ये, मुझे एमिरेट्स का बहुत अच्छा लगता है। सर्विस के मामले में नेक्स्ट लेवल है। मेरा वीडियो अभी रेंडर हो रहा है, अभी वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपलोडिंग स्पीड आज मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है। डाउनलोडिंग बहुत बुरा, अपलोडिंग एक नंबर, मतलब 60-70 में, तो मेरा वीडियो ऐसे अपलोड हो जाएगा होपफुली। रंजीत भाई पी रहे हैं वॉस की बॉटल जो हमने दुबई में पी थी। ये प्लास्टिक या प्लास्टिक की और आधा लीटर की है? पूरा प्लास्टिक, दुबई की क्वालिटी। दुबई में एक लीटर की थी और कांच की थी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वो वाला वीडियो देखो, विस्तार में समझ में आ जाएगा। और एक बात बताना भूल गया, मुझे मेरा सनग्लासेस नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो अपना सनग्लास को वॉश देता। दिस वॉशिंग कैन एक्चुअली वॉश योर सनग्लासेस। इंप्रेसिव। ओके नहीं तो आज भी लास्ट रो में बैठा हूँ लेकिन राइट साइड में, और आज भी प्राजक्ता मेरी पड़ोसन है। क्या बोलती है पड़ोसन? अरे ठीक है, और आज थोड़ा सा दूध मिलेगा? दूध मांगने आते ना पड़ोसी बार बार, इसके लिए तुम्हारे दूध दे दो, शक्कर दे दो, दही दे दो। वो लेट टेक ऑफ कब हुआ समझ में नहीं आया, मैं तो ग्राउंड पे बैठे बैठे सो गया। सिर्फ इतना आया था कैप्टन ने पीए किया था कि 45 मिनट्स का डिले होगा बिकॉज 2 रन में से 1 रन में बंद है। राग लग गई, उठा सीधा हवा में, काम करता हूँ थोड़ा और सोता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, लंबी फ्लाइट 12.5 घंटे। मस्त 7 घंटा सोया, 7 आवर्स ऑफ स्लीप। दुबई टू न्यूयॉर्क में इंटरनेट बहुत फास्ट था, आज थोड़ा स्लो चल रहा है। प्रॉब्ली यू आर ओवर समवेयर वेयर देयर इज वीक इंटरनेट। बहुत ब्राइट, बहुत ब्राइट, थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा और। अरे तो बहुत बंद हो गया। अरे ये अरे बाप रे, हाँ ये परफेक्ट है, ये पावर विंडो है, दबाया तो ऊपर ही जाता है। और इंटरनेट ख़राब इसलिए चल रहा है पॉसिबली बिकॉज अभी US टाइम दिन है तो सब लोग उठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बट नाउ इट्स वर्किंग लिटिल बिट बेटर। ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट बिकॉज सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। रंजीत भाई इज नॉट वेयरिंग हिज सीट। कॉफी की रंग कर अभी हेट आएगा, हेट व्हाई आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट व्हेन देयर इज अ टर्बुलेंस। सीट बेल्ट सेंसर नॉट ऑन, इट्स ऑन। कुछ करने को नहीं है, सोच रहा हूँ सो जाओ। वैसे भी हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं, जो प्रॉब्ली हमारे पास 2 घंटे का ट्रांजिट था वो 1 घंटे का हो जाएगा। कांट वेट टू गो बैक होम मैन। 4 दिन के लिए गया था लेकिन ऐसा लग रहा है 1 महीने के लिए बाहर था मैं। आ जाता तो सो ही रहे यार। मतलब 2 टाइप के लोग होते हैं जो बिजनेस क्लास को पूरा वसूल करते हैं, एक जो पूरा टाइम खाते पीते रहते हैं, दूसरा जो पूरा टाइम सोते रहते हैं, और फिर आते हैं मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, इन्जॉय करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, इन शॉर्ट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वसूल करते हैं। क्या मूवी है भावेश जोशी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी देखो यार, मैं 3री बार देख रहा हूँ, कमाल है यार, ऐसी मूवी और बननी चाहिए। मैं भाई अभी तो सिर्फ दुबई आए हैं, अभी तो मुंबई भी जाना है, लास्ट सेक्टर बाकी है, दुबई मुंबई फिर खलास, फिर आराम करेंगे। How are you feeling sitting alone? घर जाना है, मुझे घर जाना है। भाई आप तो जीनी हो, आग बंद करो पहुंच जाओगे। बैक टू द एयरक्राफ्ट एंड टू माई वेरी गुड लक, इट्स अगेन 380 लेकिन थोड़ा आगे बैठा हूँ, अभी 15 बराबर में बैठा हूँ बिकॉज उतरते साथ सीधा मुझे बाहर भागना है। वॉस कांट वेट टू बी होम एंड आशीष और शानिस और मेहुल शायद मुझे पिकअप करना है, आई नॉट रियली श्योर। अभी शानिस का मैसेज तो आया था एंड थैंक यू सो वेरी मच, काफ़ी सारे लोगों ने मेरा नया हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट किया। एक्चुअली मेरी न्यू हेयर स्टाइल नहीं है, मैं जल्दी जल्दी में मैंने वो बाल बनाए नहीं और बस ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये ऐसी वाली हेयर स्टाइल बन गई। बट थैंक यू सो वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया, कोशिश करूँगा टाइम टाइम पर ऐसी हेयर स्टाइल रखता हूँ। आज एक्चुअली मेरा शिफ्ट नहीं था, आप आओ। अच्छा इसीलिए? यस वन क्लिक। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। इतने साल से मैं फ्लाई कर रहा हूँ, बाय फार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज इमिग्रेशन में ऐसी भिंडी बाजार बन गया था ना वॉस, मतलब मच्छी मार्केट, ये फ्री में खाना पड़ रहा, ऐसी भीड़ और कोई ग्राउंड शिफ्ट इसे ध्यान नहीं दे रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा नीचे तू चलेगा मेरे को एक ही फ्लोर।
अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसका मैंने टाइटल रखा है टिकटॉक बैन के बारे में। एक्चुअली बात तो करनी थी फ्लाइट पे लेकिन आवाज थी और बार बार डिस्ट्रैक्शन होता रहता है तो इसके लिए नहीं किया। अभी मैं जो भी बोलने वाला हूँ एकदम दिल से बोलने वाला हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनना और अगर आपको लगता है मेरी सोच गलत है तो गलत है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं टिकटॉक बैन हो गया है। देखो यार कुछ बैन वैन नहीं हुआ है, सिर्फ ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से उसको टेम्परली सिर्फ निकाल दिया गया है, वो फिर से आ सकता है और अगर नहीं भी आया तो उसे काफी सारे ऐप हैं जो उसकी जगह ले सकते हैं। देखो बॉस बैन करना ऐसे सब ऐप को मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज एज आई सेड बिफोर कोई ना कोई ऐप इस ऐप की वापस जगह ले ही लेगा। अभी लोग ही गलत चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं करके ऐप पॉपुलर हो रहा है और अगर ऐप ये वापस आता है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में बिकॉज अभी जिन लोग के फोन में वो यूज कर सकते हैं लेकिन जब वापस ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर में आएगा तो इमेजिन करो आउट ऑफ Curiosity, कितने सारे लोग डाउनलोड करेंगे देखने के लिए बॉस इस ऐप में था क्या जिन्होंने कभी देखा नहीं था और फिर उसमें से कितने सारे लोग एडिक्ट हो जाएंगे। टिकटॉक एज एन ऐप बुरा ऐप नहीं है बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट मनी। हर वो वेबसाइट या ऐप जो कि वीडियो अपलोडिंग के लिए बनता है उसको यूट्यूब को बीट करना जो कि इतना आसान नहीं है। तो टिकटॉक ने सहारा लिया क्रिंजवर्दी कंटेंट का बिकॉज लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इजिली उसमें ग्रो भी कर लेते हैं। हम और आप ऐसी चीजों को बैन करके रोक नहीं सकते, हमको सही क्रिएटर को सपोर्ट करना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉस तो एक अच्छे क्रिएटर का है। टिकटॉक का फायदा, व्यूअर का फायदा, यूट्यूबर्स का फायदा जो इस पे रिएक्शन वीडियोस या फिर रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छा मेहनती क्रिएटर मेहनत करके यूट्यूब या टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करता है जो कि ग्रो नहीं कर रहा है उसका क्या? वो तो पिस रहा है ना, एंड में क्या करेगा? वो भी वही करेगा जो चलता है। मेरी दोनों ट्रॉली लिटरली डैमेज हो चुकी है। अगर यही चीज़ मैंने एयरपोर्ट पे देखी होती तो मैं ऑफकोर्स एमिरेट्स आपको कंप्लेन करता बिकॉज यार दिस इज ये कैसे हो गया यार, मतलब मैंने इतना ट्रैवल किया है इतना, ये देखो इसका व्हील भी टूट गया है। चलो व्हील टूटना समझ में आता है बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत फेंकता हूँ लेकिन ये तो क्रैक ही आ गया बॉस, इसको ब्लेम करो समझ में आता है। एनीवेज मन को तसल्ली देने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में छोटी मोटी क्रैक्स आते रहते हैं। तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट जो मैंने टिकटॉक के बारे में बोला। सो विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज। शुक्रान, अलविदा, मासेला, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। फॉर सम रीजन मेरा जो एयर कंडीशन है वो चालू नहीं हो रहा है, मम्मी ने क्या किया मेरे को पता नहीं, गर्मी में पिस रहा हूँ, कैसे ना कैसे करके इसको चालू होना पड़ेगा वरना तो मेरी लग जाएगी बॉस। और ये डब्बा है, अगले वीडियो में देखना है फिर जब भी टाइम मिले। चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश।